हेलो एवरीवन, बारिश का महीना चल रहा है तो बारिश के महीनों में जो प्लांट्स लवर होते हैं उन्हें ये सब काम जरूर कर लेने चाहिए, जैसे कि कटिंग्स लगाना है, और अगर आप नए पौधे लगाना चाहते हैं तो उन्हें भी लगा सकते हैं, और जो कम केयर वाले पौधे होते हैं उन्हें भी आप लगा सकते हैं। खासकर अभी सीजन आया है परमानेंट प्लांट्स का, जिन्हें आप लगा सकते हैं, जो सालों साल आपके साथ रहते हैं, फुल ईयर ब्लूमिंग करते हैं, तो उन्हीं पे आज मैंने पूरा वीडियो बनाया कि कौन से ऐसे पौधे हैं खूबसूरत फूलों वाले जिन्हें आप इस साल इस मानसून में लगा सकते हैं, जो पूरे साल फूल देते हैं, फूलों से भरे रहते हैं और कम केयर में चलते हैं, और इसे इन पौधों को आप कटिंग से भी आप प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो ये सीजन बहुत अच्छा रहता है सभी कामों के लिए, कटिंग्स लगाने के लिए, परमानेंट प्लांट लगाने के लिए, और बल्ब वाले पौधे भी आप लगा सकते हैं, जैसे कि रेन लिली भी इस समय बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग कर रहा है, तो रेन लिली के पौधे, रजनीगंधा के पौधे, और भी बहुत सारे पौधे होते हैं, कैना लिली के पौधे जो बल्ब से ग्रो होते हैं, वो भी इस समय नर्सरी में आपको मिल जाएंगे। तो इन सब पौधों को आप मानसून में बहुत ही ईजिली लगा सकते हैं, बहुत ही जल्दी ये फ्लावरिंग स्टार्ट कर देते हैं। बल्ब वाले पौधे जब भी आप लगाएं तो ध्यान रखें बल्ब थोड़ा सा बड़ा ही लें, ताकि वो जल्दी से जल्दी फ्लावरिंग स्टार्ट कर सके। तो आज का वीडियो हमारा परमानेंट प्लांट्स पे है, वैसे ये रेन लिली के पौधे भी हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो चलिए अभी परमानेंट प्लांट्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है बोगनविलिया, ये पौधा आप कटिंग से बहुत ईजिली लगा सकते हैं, नर्सरी से आप परमानेंट प्लांट ला के लगा सकते हैं, पूरे साल फूल देता है, फूलों से भरा रहता है। कटिंग करनी ज़रूरी होती है इस पौधे की, खासकर बारिश में और जब गर्मियाँ स्टार्ट हो सर्दी के बाद, तब आप इनकी प्रूनिंग कर दीजिए, अच्छे से फर्टिलाइज कर दीजिए, बहुत अच्छा फूल देता है ये। अगला जो परमानेंट प्लांट है ये कलर चेंजिंग रोज, इसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे, ये कलर चेंज कर देता है, एक दिन में ये तीन कलर में चेंज हो जाता है, परमानेंट प्लांट होता है, पूरे साल फूल देने वाला पौधा होता है, और इसको भी आप कटिंग से भी लगा सकते हैं, नर्सरी से भी ला सकते हैं, और आप देखेंगे ये सुबह वाइट होता है, फिर रात में ये रेड हो जाता है, और जैसे ही दोपहर होती है तो ये लाइट पिंक में कन्वर्ट हो जाता है, तो बहुत अच्छा प्लांट होता है परमानेंट। अगला पौधा है मैक्सिकन पिटूनिया का, एक से हज़ारों पौधे बनाने वाला ये पौधा आपको नर्सरी में बहुत ही आसानी से सस्ते दामों में मिल जाएगा, और ये परमानेंट प्लांट होता है, पूरे साल फूल देता है, तीन कलर में ये आपको नर्सरी में ईजिली मिल जाएगा। अगला प्लांट है टिकोमा प्लांट, और एक परमानेंट प्लांट होता है जो पूरे साल फूल देता है, ये इसकी ट्रॉफ वैरायटी है, इसकी बेलनुमा वैरायटी भी आती है, जिसे आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं और गमले में भी, और लेकिन इसकी इस समय ट्रॉफ वैरायटी चल रही है तो इसको भी आप लगा सकते हैं। अगला जो परमानेंट प्लांट है ये है बटन रोज प्लांट, और ये गुलाब के पौधे बहुत ही सुंदर लगते हैं, एक साथ गुच्छों में फूल देते हैं, तो इसे आप लगा सकते हैं साल। और अगला जो है पौधा इंग्लिश रोज प्लांट, इसमें काफ़ी सुंदर सुंदर कलर आते हैं, शेडेड कलर आते हैं, तो इसका पौधा भी आप इस मानसून में लगा सकते हैं, परमानेंट प्लांट होता है और पूरे साल ही बहुत ही ज़्यादा फूल देता है ये पौधा। अगला जो प्लांट है ये एक बेलनुमा प्लांट है, काफ़ी लकी प्लांट माना जाता है, इसको कृष्ण कमल बोलते हैं और राखी कमल भी बोलते हैं इसको, तो इसको भी आप लगा सकते हैं, कटिंग से भी, बीजों से भी लगा सकते हैं, इस समय नर्सरी में ये आपको मिल जाएगा, तो एक परमानेंट पौधे को भी इस साल लगा सकते हैं। अगला जो परमानेंट प्लांट है ये एक्सोरा का है, बहुत ही सुंदर फूलों वाला पौधा जो फूलों से पूरे साल भरा रहता है, कई सारे कलर्स इसमें मिल जाते हैं, और अगर आप कटिंग से लगाना चाहते हैं तो कटिंग से भी लगा सकते हैं, नर्सरी में आपको ये इजीली मिल जाएगा। अगला परमानेंट प्लांट है मधुमालती का, ये एक बेलनुमा पौधा होता है, इसकी भी ड्रॉप वैरायटी अब आने लगी है, तो ये परमानेंट प्लांट होता है, पूरे साल फूल देने वाला पौधा होता है, इसे भी आप लगा सकते हैं साल। अगला परमानेंट प्लांट है आलमंडा वाइन, पूरे साल फूल देने वाली ये एक बेलनुमा पौधा होता है, इसकी ड्रॉप वैरायटी भी आती है पौधे नुमा, इसे आप गमले में भी लगा सकते हैं, और ये एक बेलनुमा पौधा होता है, काफ़ी सुंदर फूल आते हैं इसमें और कई सारे कलर्स भी मिल जाते हैं। अगला जो परमानेंट प्लांट है जो पूरे साल फूल देता है ये है प्लम्बको का, और ये बहुत ही बुशी प्लांट होता है जो गुच्छों में फूल देता है और पूरा फूलों से लदा रहता है, पूरे साल फूल देने वाला पौधा होता है, तो इस साल आप इसे भी लगा सकते हैं। इस साल अगर परमानेंट प्लांट लगाना चाहते हैं तो खुशबूदार फूलों वाला पौधा आप ज़रूर चुनिए, जिसमें मोगरा सबसे पहले नंबर पर आता है, तो मोगरा भी आप इस साल लगा सकते हैं, मोगरा परमानेंट प्लांट होता है, पूरे साल फूल देने वाला पौधा होता है और सर्दियों में फ्लावरिंग थोड़ी कम कर देता है, तो इसे भी आप ज़रूर लगाएं। और गुलाब की बहुत सारी वैरायटीज़ आपको इस समय नर्सरी में मिल जाएंगी, इंग्लिश रोज भी बहुत ही सुंदर लगता है और बहुत सारी वैरायटीज़ भी आती हैं, तो गुलाब की कोई भी वैरायटी आप इस समय लगा सकते हैं। अगला जो परमानेंट प्लांट है जो पूरे साल फूल देता है ये है हाइब्रिड गुड़हल का पौधा, और देसी गुड़हल तो बहुत ही आसानी से कटिंग से चल जाता है और ये पूरे साल फूल देता है, तो इस साल आप इसे भी लगा सकते हैं, तो ये पूरे साल फूल देने वाला पौधा होता है।
अगला जो पूरे साल फूल देने वाला पौधा होता है ये होता है क्लस्टर ऑफ हैप्पीनेस, और बहुत ही सुंदर बेलनुमा एक पौधा होता है और पूरी तरीके से फूलों से पूरे साल ही भरा रहता है। कटिंग से भी आप इसे आसानी से लगा सकते हैं और नर्सरी से भी लाकर इस साल लगा सकते हैं। अगला जो पूरे साल देने वाला सुख फूलों वाला पौधा होता है इसे बोलते हैं हरसिंगार या पारिजात का पौधा। इसके बहुत ही सुंदर और मनमोहक फूल होते हैं, बहुत सारे गुच्छों में फूल लगते हैं, इसे भी इस मानसून आप लगा सकते हैं। अगला जो पौधा है परमानेंट प्लांट जो पूरे साल फूल देता है, बहुत ही सुंदर फूल इसके होते हैं, ये होता है मोशांडा, और इसको भी आप कटिंग से बहुत ही ईजिली प्रोपगेट कर सकते हैं, तो इस साल इसे भी आप जरूर लगाइए। पूरे साल फूल देने वाला परमानेंट पौधा, पूरे साल फूल देने वाला ये पौधा अपराजिता, जिसे सीड से बहुत ही आसानी से उगा जा सकता है, पूरे साल फूल देता है, आप इसे भी इस साल लगा सकते हैं सीड से। अगला जो पौधा है इसे आप सीड से भी लगा सकते हैं और आप इसे नर्सरी से भी ला सकते हैं, ये होता है विंका का प्लांट और ये पूरे साल फूल देता है, बहुत ही ज़्यादा फूलों से भरा रहने वाला पौधा, कई सारे रंगों में आपको मिल जाएगा और कटिंग से भी आप मानसून में लगा सकते हैं, बहुत ही ईजिली चल जाता है, सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, तो बहुत ही आसानी से पौधा लगाया जा सकता है, नर्सरी में बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाएगा और आपके गार्डन में चार चांद लगा देगा। अगला जो पौधा है ये गॉन्फ्लेना का पौधा है, इसे आप इस साल उगा सकते हैं, वैसे ये 2-3 सालों तक आपके साथ रहता है, काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग करता है और इसके फूल काफ़ी दिनों तक टिके रहते हैं। अगला जो बहुत ही खुशबूदार फूलों वाला पौधा है इसे भी आप इस मानसून या जुलाई अगस्त में लगा सकते हैं, ये है मधु कामनी का पौधा, इसे बीजों से भी बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं, कटिंग से भी लगा सकते हैं। लगभग पूरे साल फूल देने वाला ये पौधा होता है और ये एक बेलनुमा पौधा होता है, गुच्छों में बहुत ही सुंदर फूल देता है, कई सारे कलर्स भी इसमें आते हैं, तो नर्सरी से आप इस साल इसे भी लाकर लगा सकते हैं। अगला जो परमानेंट प्लांट है ये है नाग चंपा का, कटिंग से बहुत ही आसानी से आप इसे ग्रो कर सकते हैं, बहुत जल्दी इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है, फूल तो आप देख ही रहे हैं कितने सुंदर हैं, तो ये एक परमानेंट प्लांट होता है, सालों साल आपके साथ रहता है, तो अगर आप परमानेंट प्लांट लगाना चाहते हैं तो इसे आप ज़रूर लगाइए। अगला जो परमानेंट प्लांट है ये है यूफोर्बिया मिली का, और ये हाइब्रिड वैरायटी का यूफोर्बिया मिली है, जिसमें काफ़ी बड़े बड़े फूल आते हैं जो देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं, एक साथ जब ये खिलते हैं तो बहुत ही सुंदर लगता है इसका बंच फूलों वाला, और ख़ास बात ये होती है इसके फूल काफ़ी दिनों तक टिके रहते हैं, तो बिना केयर का कम पानी में चलने वाला ये फुल सनलाइट का पौधा बहुत ही अच्छा रहता है उन लोगों के लिए जो पहली बार पौधे लगा रहे हैं, तो इस पौधे को ज़रूर लगाइए, फूल काफ़ी दिनों तक टिके रहते हैं, आपका गार्डन हमेशा फूलों से भरा भरा रहेगा, और सबसे खास बात यह है कि बरसात में कटिंग से बहुत इजीली ग्रो हो जाता है, नर्सरी से आप इसे ला सकते हैं। अगला जो परमानेंट फूलों वाला पौधा है ये है डबल पेटल्स चांदनी का, ये काफ़ी सालों से मेरे साथ में है, का एक परमानेंट प्लांट है जो काफ़ी अच्छे गुच्छों में फूल देता है, तो इसे भी लगा सकते हैं। अगला पौधा है परमानेंट प्लांट चंपा का, इसे भी आप कटिंग से भी लगा सकते हैं और नर्सरी से भी लाकर लगा सकते हैं, और इसके कई सारे कलर्स अब नर्सरी में आने लगे हैं, तो इसे आप ज़रूर लगाइए। अगला परमानेंट प्लांट है एक्जोरा का, इसकी ड्रॉप वैरायटी भी आती है और इसकी जो बड़ी वैरायटी है वो भी आती है, मेरे पास ये वाला प्लांट है और काफ़ी सुंदर फूल देता है, पूरे साल फूलों से भरा रहता है, सर्दियों में थोड़ी फ्लावरिंग कम कर देता है, तो इसे भी आप लगा सकते हैं, अगर आप कोई परमानेंट प्लांट लगाना चाहते हैं तो इसे ज़रूर लगाइए। अगला जो परमानेंट प्लांट है ये डेनियम का प्लांट है, इस समय इसे आप जुलाई अगस्त में बीजों से भी ग्रो कर सकते हैं, कटिंग से भी लगा सकते हैं और नर्सरी से भी लाकर लगा सकते हैं, पूरे साल फूल देने वाला बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला ये पौधा होता है, इसकी देसी और हाइब्रिड दोनों वैरायटी आपको इस समय नर्सरी में मिल जाएंगी, तो ये एक परमानेंट प्लांट बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला पौधा होता है, तो इसे आप ज़रूर लगाइए, हमेशा आपके साथ रहेगा, बस इसमें पानी कम दीजिए, इसे फुल सनलाइट में रखिए और सर्दियाँ ख़त्म होने के बाद इसकी प्रूनिंग ज़रूर करिए, तो ये सारे परमानेंट प्लांट आप इस साल ज़रूर लगाइए, बहुत फूल देते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल भी पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करिए, और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।